झाड़ू लगाने के विवाद को लेकर दो पक्षों में खूब चले लाठी डंडे व कुल्हाड़ी। अमेठी जनपद के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के टीकर माफी चौकी अंतर्गत टीकर माफी गांव में झाड़ू लगाने के विवाद को लेकर पड़ोसियों ने लाठी डंडे व कुल्हाड़ी से हमला करते हुए घर में घुसकर एक ही परिवार के 5 लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया, जिन्हें इलाज के लिए CHC संग्रामपुर लाया गया, जहां से हालात गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफीक अहमद है। कहां घर है आपका? ग्राम टीकर माफी, थाना संग्रामपुर, जनपद अमेठी का निवासी हूं। ये अभी आपके तरफ से कई लोग घायल हैं, किन लोगों को ने मारा है और क्यों मारा है, कारण क्या है? ये मेरे पड़ोसी हैं जाबिर अली जी और सनाफ साबिर अली और उनके चारों लड़के इमरान, फतेह मोहम्मद, गुफरान अली और फुरकान और नौशाद अली। क्यों मारे, कारण क्या था? कारण यही था कि मेरी भाभी सुबह शहन दरवाजे पर झाड़ू लगा रही थी, वो लोग बोले कि तुम्हारा यहाँ पर क्या है, दो बातें हुई उन दोनों में, बस इसको इतना जोर से मतलब कुल्हाड़ी से मारा कि सर में चोट लगी और वहीं पर जगह पर बेहोश हो गई जी। उसके बाद वो लोग घर में सब सो रहे थे, जब तक सब लोग कुछ समझ पाते ये लोग घर में घुस गए, जो जहाँ मिला जिस हालत में था वहीं पर मारने लगे। मेरी माँ को कुल्हाड़ी से मारा, वो भी बेहोश हो गई जी। 60 साल की उम्र थी उनकी, सर में बहुत गंभीर चोट आई है उनको जी। और जो जहाँ मिला मारने लगे, और जब गांव वाले शोर सुनकर आए तो ये लोग भद्दी भद्दी गालियाँ देते हुए माँ बहन की और जान से मारने की धमकी देकर वहाँ से गए जी। अभी घर में कोई मौजूद नहीं, सब लोग फरार हो गए। तो कई लोग आपकी तरफ से घायल हैं, क्या क्या नाम है उनका? मेरे तरफ से मेरा 5 लोग घायल हैं जी। मैं मोहम्मद रफीक खुद घायल हूँ, मेरी वालिदा, मेरी माँ का सर में चोट लगी है जी। माँ का क्या नाम है आपके? उम्मतुन्निसा। और मेरा भाई मोहम्मद सलीम, उसको भी सर में चोट आई है। मेरी भाभी जरीना बानो, उनको भी सर में चोट आई है। और मेरा भतीजा तौफीक अहमद, उसको भी सर और हाथ में चोट आई है। तो वो सब मार के मतलब भाग गए हैं? वो लोग मार के। पुलिस मौके पर गई थी, आप वहाँ सूचना दिए थे 112 या पुलिस को? 112 को बुलाया सर, वो काफ़ी लेट में आई, वो लोग फरार हो गए वहाँ से जी। और वहाँ से वो लोग गए, बोले कि आप जाइए संग्रामपुर, हम लोग तो संग्रामपुर। अभी यहाँ संग्रामपुर थाने गए थे आप? थाने गए थे सर। अप्लीकेशन दिए। अभी क्या बोले? बोले कि जाइए अपना पहले इलाज करवाइए इनका। हम इलाज लेके कहाँ गए, कोई सिपाही भी नहीं आया हमारे साथ में यहाँ पे। तो यहाँ से यहाँ पे आप वो रिफर कर रहे हैं संग्रामपुर से, किस लोग को रिफर कर रहे हैं? यहाँ से 5 लोग को रिफर कर रहे हैं। पाँच लोग को